एंड ये एक डेटॉल बॉटल है, एक ट्रांसपेरेंट सा मुझे दिखाना था आपको, तो इसलिए मैं, आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी इतना यूज कर चुकी हूँ, इतना बचा है। दिस इज अ वेरी वंडरफुल हर्बल शैम्पू, बहुत ही। तो डी आई वाई हर्बल हेयर वॉश घर में ही आप आराम से बना सकते हो टू कीप योर हेयर सिल्की सॉफ्ट एंड एट द मोस्ट हेल्दी। हाँ जी, आपके बाल जल्दी ख़राब ना हो, आपकी स्कैल्प का इश्यूज जो है वो ज़्यादा ना हो, तो उस रीजंस को हटाने के लिए, कम करने के लिए, जल्द से जल्द रिजल्ट पाने के लिए आप घर में ही आराम से इस हेयर वॉश को रेडी कर सकते हो, जो बहुत ही नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनता है एंड आपकी स्कैल्प एंड हेयर्स को एक बहुत ही अच्छा नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, डैंड्रफ हटाता है, ग्रेइंग हेयर्स को भी ये कम करता है, आपके हेयर्स को एक बहुत ही अच्छा कंडीशन बना के रखता है। तो दोस्तों, इस हर्बल होममेड हर्बल शैम्पू को बनाने के लिए हमको चाहिए बस 3 से 4 या 5 सामान, दैट इज आंवला, रीठा, शिखर खाई एंड द फ्लैक्स सीड्स। हाइबिस्कस अगेन ऑप्शनल, आप यूज करना चाहते हो तो यूज कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन स्किप दैट। तो इन चारों चीजों को आपको बेस इंग्रेडिएंट्स रखना ही रखना है इस हर्बल शैम्पू को बनाने के लिए। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आयरन बाउल ले लीजिएगा, उसमें हम डाल देंगे जो भी बेस इंग्रेडिएंट्स है, आंवला, रीठा एंड शिखर खाई, इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसे 2 बार हम अच्छे से पानी में धो लेंगे। नेचुरल चीज़ें इंग्रेडिएंट्स है, पैक्ड होके आते हैं, तो इसे धो के ही यूज़ करना होता है, अदरवाइज पाउडर है तो हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, मिक्स करके रख सकते हैं। तो यस, बट यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगी यूज़ ऑल द रॉ इंग्रेडिएंट्स। इसे हमें अच्छे से धो के भिगो देना है 2 दिन तक छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आप देख सकते हो कैसे फुला फुला सा और सॉफ्ट सा हो जाएगा ये सारे इंग्रेडिएंट्स एंड पानी भी, पानी का रंग ब्लैक हो जाएगा। इसे मैं अभी स्टोव पे रखी हूँ एंड इसे और ज़रा पानी इसमें ऐड करके इसे अच्छे से बॉयल करने छोड़ देंगे। जब ये पानी ज़रा से कम हो जाएगा उस टाइम हम ऐड करेंगे फ्लैक्स सीड्स का पाउडर, भृंगराज का पाउडर मैंने यहाँ पे ऐड किया है, भृंगराज पाउडर है ये, एंड उसके बाद हाइबिस्कस पाउडर मैंने ऐड किया है, जो इस हर्बल शैम्पू को एक कंप्लीट पैक बना के रेडी कर देता है। ये जब अच्छे से उबाल के पानी कम हो जाता है, ज़रा सा गाढ़ा हो जाता है, तब स्टोव बंद कर दीजिएगा और छोड़ दीजिएगा ठंडा होने के बाद। ठंडा होने के बाद आप इस तरह से एक ग्लव्स पहन लीजिएगा हाथ में, अदरवाइज़ आपके हाथ स्टेन हो सकता है। इस तरह से अच्छे से स्क्वीज आउट करिएगा और हर एक इंग्रेडिएंट्स का पल्प जो है उस पानी में मिल जाना चाहिए। जब आप इस प्रोसेस करेंगे आपको मिलेगा एक गाढ़ा सा शैम्पू वाला पेस्ट, आप देख सकते हो इस तरह का एक गाढ़ा पेस्ट मिलेगा। तो इस पेस्ट को मैं इस प्रोसेस करने से ज़रा टाइम कंज्यूम ज़रूर है क्योंकि छन्नी नहीं मिल रहा था मुझे, अगर छन्नी होगा आपका काम 2 मिनट में आराम से हो जाएगा। आपको बस इसका पल्प इस तरह से निकाल के एक सेपरेट कटोरी में ले लीजिएगा, अच्छे से निकाल के ले लीजिएगा जितना भी प्रॉपर्टीज़ उसमें होता है एंड उसके बाद कोई भी बॉटल या प्लास्टिक या कांच के बॉटल में स्ट्रेन करके रख लीजिएगा, आराम से स्टोर करके रख ले सकते हो, बाहर भी रख सकते हो। हाँ दोस्तों, इसका एक छोटा सा प्रॉब्लम ये भी है, जब आप यूज़ करेंगे ना इसे आपको एक ग्लव्स पहन के यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके जो हाथ है, आपके ये जो नेल एरिया है पूरा ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि ये उसका कंसिस्टेंसी ही ऐसा है, तो आपको ग्लव्स पहन के नहाना पड़ेगा। अदरवाइज़ मैं तो कंफर्टेबल हुई, आदत तो हो ही गया है, तो जब भी यूज़ करती हूँ तो मेरे हाथ पूरे ब्लैक ब्लैक हो जाते हैं एंड इट विल लास्ट फॉर 2 to 3 days जब बर्तमान में वो चला जाता है। तो अगर आप यूज़ करते हो इस हर्बल शैम्पू को, मैं बोलूँगी लाइक मैक्स टू मैक्स यूज़ करने की ट्राई कीजिएगा। अगर आप वीकेंड्स में शैम्पू करेंगे केमिकल शैम्पू, दूसरे टाइम में जब भी आप यूज़ कर, मतलब हेयर वॉश करते हो, प्लीज़ ट्राई टू यूज़ दिस हर्बल शैम्पू, जो आपके फेस की स्किन को भी अच्छा है, कि बॉडी की स्किन को भी बहुत ही अच्छा है, ये कोई नुकसान नहीं पहुँचेंगी। अगर आप केमिकल शैम्पूज को देखेंगे ना, उसमें भर भर के केमिकल्स होते हैं जो आपके फेस को, ऑब्वियसली आप जानते हो जब आप हेयर वॉश करेंगे जो शैम्पू होता है वो पूरा आपके फेस के ऊपर, आपके बॉडी के ऊपर पूरा लग जाता है, उसकी वजह से भी आपकी स्किन खराब होता है, राइट। तो अगर आप वही आप
हर्बल शैम्पूज की बात करेंगे, इसमें कोई नुकसान पहुंचाने वाली कोई भी चीज़ नहीं है। अगर लग भी गया फेस पे बॉडी पे, और भी अच्छा करता है इंटर आपकी स्किन एंड आपकी फेशियल स्किन को भी अच्छा ही रखता है, कोई नुकसान बिल्कुल भी नहीं पहुंचाता है। आई एम सो लविंग दिस शैम्पू। तो यस, आप आराम से इसे स्टोर कर सकते हो इस तरह के बॉटल में, प्लास्टिक बॉटल में। अगर आपके पास कांच का बॉटल है तो बढ़िया, इसे यूज़ कर सकते हो। करीबन 1 मंथ या 2 मंथ तक आप इस तरह से स्टोर कर सकते हो। कांच का बॉटल है तो बढ़िया, मतलब उसका ड्यूरेशन पीरियड अच्छा रहेगा। प्लास्टिक बॉटल में 1 मंथ या 20 डेज 30 डेज या काफ़ी हो जाता है। तो ये छोटा सा बॉटल है, 15 डेज तक चल जाएगा, 15-20 डेज चल जाएगा। तो मैं इसे बीच बीच में यूज़ करती रहती हूँ। कई बार ऐसा भी करती हूँ कि शैम्पू करने के बाद जो फाइनल लास्ट प्रोसेस होता है वो मैं इस शैम्पू से ही धो लेती हूँ। सो दिस इज लाइक अ कंडीशनर, कंडीशन की तरह भी काम करता है। तो आई लव दिस बिकॉज इसमें फ्लैक्सीड भी है, उसके कारण हमारे बाल शाइनी इस तरह से ग्लॉसी हो जाता है। ये मैंने आफ्टर शैम्पू हेयर वॉश किया था। तो दिस इज हाउ द रिजल्ट यू विल गेट। जरा सा चंपू लगेगा अगर आप तेल ऑयल अप्लाइड बालों पे अगर आप इसे शैम्पू करेंगे ना, वो ये शैम्पू तेल को तो नहीं हटाएगा, वो एक नेगेटिव पॉइंट है। पूरा तेल चिपचिप को नहीं निकालता है। अगर आप वॉश्ड हेयर पे यूज करेंगे तो इस तरह से आपको लगता है, दिखता है मतलब। तो आप एक हेल्दी स्कैल्प रखना चाहते हो, एक हेल्दी बाल बढ़ाना चाहते हो, रखना चाहते हो फ्यूचर में भी, तो गो फॉर दी हर्बल शैम्पूज। हर्बल शैम्पूज में मार्केट में बहुत सारे हर्बल शैम्पूज है जो आप ट्रस्ट कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, आप उसको भी अच्छे से यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि इसी तरह से यूज़ करूँ, घर में ही बनाया हुआ। अभी आज के लिए बस इतना ही। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन, एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन एज वेल, एंड बेल आइकॉन जो बगल में दिख रहा है, बेल आइकॉन टडाम 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 उसे भी दबा देना। अदरवाइज आपको मेरा नया वीडियोज़, जब भी मैं कोई नया वीडियोज़ अपलोड करती हूँ मेरे चैनल के ऊपर, वो आपको नोटिफिकेशन जो है यूट्यूब की तरफ से सबसे पहले आपको मिल जाएगा। अगर आप वो बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगी, तो आप मेरा वीडियो नहीं देख पाएंगे। तो फिर सर्च करके आपको मेरा वीडियो नया वीडियोस को देखना पड़ेगा। तो वो नौबत झेल लीजिए, आप वो बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं अपलोड करूँगी नया वीडियो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, तो चलिए मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में विद एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। अंटिल देन, take care, ta-da, bye.